बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुआज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़ियाज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। या अल्लाहु या वदूदु या अज़ीज़ु, ये तीन लफ्ज अपने हाथों की उंगलियों पर इस तरह पढ़ लो, महबूब की मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाएगी, वो हर हाल में आपसे राबता करेगा। प्यारे दोस्तों, या अल्लाहू अल्लाह ताला का जाती नाम, या वदूदू या अजीजू अल्लाह ताला के सिफाती नाम, इन दो सिफाती नामों को अल्लाह ताला के जाती नाम के साथ मिलाकर इनका एक मजमुआ बनाकर आपने अपने हाथ की उंगलियों पर जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से पढ़ लेना है। फिर चाहे कोई आपको छोड़कर चला गया हो, कोई आपसे नफरत करता हो, आपको देखना भी पसंद ना करता हो, आपसे मोहब्बत ना करता हो, आपकी इज्जत ना करता हो, कदर ना करता हो, उसके लिए ये अमल करें और अपनी आंखों से उसका हाल देखिए। वो शख्स जो देखना गवारा नहीं करता, वो आपके लिए इतना बेचैन हो जाएगा कि आपको ये किसी मौजजे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के जाती नाम को उसके सिफाती नामों के साथ मिलाकर अपने हाथ की उंगलियों पर आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो तस्बीह जो हाथों पर पढ़ी जाती है वो बहुत फजीलत और बरकत के हामिल होती है। इसीलिए आज मैं आपको जो वजीफा बताऊंगा, अल्लाह ताला के तीन नामों को आपने अपने हाथों की उंगलियों पर एक खास तरीके से पढ़ लेना है। फिर आप देखिएगा कि वो शख्स जो आपको छोड़कर चला गया है वापस लौटकर आपके पास आएगा, वो शख्स जिसने आपसे राबता खत्म कर दिया है इंशाल्लाह हर हाल में राबता करेगा, चाहे सात समंदर पार ही क्यों ना बैठा हो, हर हाल में वो आपसे बात करेगा, आपसे आपका हाल जानेगा और अपने दिल का हाल बताएगा। और अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करता तो वो इतना बेचैन हो जाएगा कि आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये खास अमल जिसे भी बताया है अल्लाह के फजलो करम से उसे जरूर फायदा हुआ है। आप भी इसके फायदे के लिए इस अमल को जैसे बताऊंगा वैसे ही अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए पढ़िएगा और आप इसका कमाल अपनी आंखों से देखिएगा। इस अमल को आपने बावजू होकर पढ़ना है। खवातीन अपने खास आयाम में ये अमल हरगिज नहीं पढ़ सकती और सबसे जरूरी बात है सिर्फ जायज मकसद के लिए ही पढ़ सकते हैं। मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए जिससे निकाह करना चाहते हैं उससे अपना ताल्लुक मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, उसे शादी के लिए मनाने के लिए इस अमल को पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आइए भरते हैं अमल की जानिब। आपने अपने हाथों के उंगलियों के पोटों पर ये तीन नाम पढ़ने हैं। आपने दाएं जानिब से शुरू करने हैं और 15 मरतबा आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों के पोटों पर या अल्लाहू या वदूदू या अजीजू पढ़ना है और अपने महबूब का नाम पुकारते हुए अपने हाथ पर दम कर देना है, फूक मार देनी है। फिर से आपने अपने हाथ की उंगलियों पर 15 मरतबा या अल्लाहू या वदूदू या अजीजू पढ़ना है और अपने दाएं हाथ पर अपने महबूब का नाम पुकारते हुए फूक मार देनी है, दम कर देना है। 5 मरतबा आप ऐसे ही अपने महबूब का नाम पुकारेंगे और अपने हाथ पर दम करेंगे, फूक मारेंगे। इंशाल्लाह तआला आप देखिएगा जैसे जैसे आप अमल को पढ़कर अपने दाएं हाथ पर अपने महबूब का नाम लेते हुए फूक मारते जाएंगे, आपके महबूब की बेचैनी भरती चली जाएगी। अमल के दौरान ही वो आपसे राबता करेगा, उसकी आपको कॉल आ जाएगी। अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है तो इंशाल्लाह वो आपका नंबर अनब्लॉक कर देगा और आपसे राबता करेगा और अब आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा।
उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह उसकी ये मोहब्बत मरते दम तक आपके लिए खत्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, अमल को आपने कम अज कम 3 दिन लगातार करना है। अमल बड़ा ही मुजरिब है, ताकतवर है। अमल की इजाजत के लिए एक बार कमेंट में सुबहानअल्लाह जरूर लिखिएगा, इससे आपको ऑटोमेटिकली इजाजत मिल जाएगी और आप इस अमल को बआसानी कर सकेंगे। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बंदा ही नाचीज को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।